अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, जिसका टॉपिक है 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज रिलेट हो रही हैं, और वो क्वांटिटीज हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड। सपोज हम कर लें कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी क्या है? वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि वी आई है। जब वो मूव कर रही है ए से पॉइंट बी तक, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? फाइनल बन गई, जो कि है फाइनल वेलोसिटी वी एफ। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो मूव कर रही है, तो कुछ ना कुछ टाइम भी उसके अंदर कंज्यूम हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम में वो बॉडी अपना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद उसकी वो पॉइंट बी पे चली जाती है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल बन जाती है, मतलब कि वी एफ हो जाती है। अब लाइन ए और लाइन बी का जो स्लोप है, वो हमें क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन हमें शो कर रहा है, ठीक है। इसको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए पे उसकी वेलोसिटी इनिशियल है, तो उसको वी आई लिखेंगे। पॉइंट बी पे जाके कुछ टाइम बाद ए से बी तक मूव किया, डिस्टेंस कवर किया, इसमें जो टाइम कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ, पॉइंट बी पे जाके इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई, ठीक है। और पॉइंट ए और बी जो है, ये है स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है वो ए है, एक्सेलरेशन सॉरी ए है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। कुछ टाइम टी के बाद बी पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी वी एफ बन गई। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। ए और बी लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? एक्सेलरेशन है। ए और बी, ये जो हमारे पास रेड लाइन है, ये बेसिकली ये स्लोप है, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है? ए। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है वो किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ए और बी क्या है, ये हमारे पास एक स्लोप है, उसको हम शो करते हैं एक्सेलरेशन ए के साथ, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू ए। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ रेक्टेंगल। हमने इस ट्राइंगल को देखना है कि ए बी से जो हमारी स्लोप है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होगी? बी सी, बी सी के और ए सी के, ठीक है। बी सी, अब हम देख लेते हैं कि बी सी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी बी डी माइनस, अब ये बी सी जो है ये कहाँ से आ गया? बी सी जो है ये हमारे पास इस लाइन से आया, बी डी माइनस सी डी, मतलब कि ये हमारे पास एक पूरी लाइन है, उसमें से ये इतना जो पोर्शन है, सी डी वाला पोर्शन हमने इसमें से निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? बी सी। तो क्या बना है? बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी। बी डी फुल लाइन माइनस सी डी इसका कुछ पोर्शन, उसमें से माइनस कर दिया, तो क्या बन गया? बी सी। अब ए सी क्या है? ए सी, ए सी किसके पैरेलल है? ओ डी के, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू ओ डी, तो ए इज इक्वल टू, अब हमने ये वाली वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देनी, ए इज इक्वल टू बी सी की जगह पे हम बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं, तो वो लिख लिया बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी की जगह पे हम ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ डी लिख लिया। अब बी डी माइनस सी डी क्या है? बी डी, बी से लेके डी तक जो है ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया वी एफ, माइनस का साइन एज इट इज सी डी। सी से लेके डी तक जो हमारे पास है वो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी जगह पे हमने वी आई लिख दिया। और ओ डी जो है, ओ डी क्या है? ये हमारे पास टाइम है, जिस टाइम में एक बॉडी जो अपना डिस्टेंस कवर कर रही है वो इसका टाइम है। टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। वी एफ वी आई यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए टी वाली साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा उसके साथ, ए टी प्लस वी आई इक्वल्स टू वी एफ। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आई? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब जो बी डी है, बी डी ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सी डी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और ओ डी क्या है? टाइम, ये टाइम टी है। ये सारी वैल्यूज को हमने
फर्स्ट इक्वेशन सॉरी इस इक्वेशन में पुट कर दिया, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो टी को हमने जाके ए के साथ डिवाइड हो रहा था, ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वी आई यहाँ माइनस हो रहा था, इधर जाके प्लस कर दिया, तो वैल्यू आ गई वी एफ की, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आई होप कि आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आ गई होगी। अगर किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।